कि लखनऊ हम आपको लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी पहुंच चुके हैं हजरतगंज। माननीय रक्षा मंत्री जी भी इस पंडाल में प्रवेश करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी भी आ गए हैं। हमारा कार्यक्रम बस कुछ क्षणों के बीच में यह मूर्त रूप लेगा। यह पूर्णता तो तस्वीरें देख रहे हैं आप लखनऊ से, ये सीधी तस्वीरें हैं। बारिश हो रही है और इसी बीच हजरतगंज में स्वागत का ये क्रम चल रहा है। सीएम योगी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं, पहले ही दिनेश शर्मा पहुंच चुके थे, अब रक्षा मंत्री और सांसद लखनऊ से राजनाथ सिंह की अगुवानी होनी है और उसी की तस्वीरें हैं। तो स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण होना है। हमारे सहयोगी अनुभव ने बताया कि अटल चौक से थोड़ी ही दूर पर हजरतगंज में एक प्रतिमा बनाई गई है स्वर्गीय लालजी टंडन की, और उसी प्रतिमा का अनावरण करेंगे उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर। सीएम योगी को आप देख रहे हैं स्क्रीन में, जहां वो पहुंच चुके हैं अगुवानी के लिए खड़े हैं रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के। और बारिश हो रही है, मौसम प्रतिमा के अनावरण के लिए जो टेक्निकल टीम है उससे निवेदन है कृपया तैयार हो जाएं। तो देखिए अनाउंसमेंट हो चुकी है अनावरण की प्रक्रिया के लिए। के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, हम सभी के प्रिय माननीय राजनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ तो एक बार स्वागत इस कार्यक्रम में। रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में, तस्वीरें आ रही हैं, देखिए डिप्टी सीएम मौजूद हैं। मैं एक बार सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया प्रतिमा की तरफ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं देखिए, और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय पाठक जी, बाबू जी की अर्धांगिनी से प्रणाम करते हुए यह नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। बाबू जी की इस 12.5 फीट की विशालकाय प्रतिमा के अनावरण के साक्षी होने के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यह प्रतिमा इस मंच की तरफ मुंह किए हुए है। यह दोनों बाबूजी के अत्यंत प्रिय यह नेतृत्व रिमोट से इस प्रतिमा का अनावरण करेगा जो केसरी काया में लिपटी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ यह प्रतिमा कांस्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा केवल 28 दिन में बनकर तैयार हुई है। यह प्रतिमा अपने आप में लखनऊ की सदाशयता की राजनीति का प्रतिबिंब है। यह प्रतिमा का अनावरण एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय बाबूजी की स्मृतियों को अपने आप में जोड़ते हुए हम सभी इस प्रतिमा के अनावरण के साक्षी हो रहे हैं। साढ़े 12 फीट की ऊंची यह प्रतिमा हमारे सामने है। यह वही स्थल है जहां पर लखनऊ का हजरतगंज थाना हुआ करता था, और इस थाने में बाबूजी लखनऊ की समस्या को लेकर तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। अनावरण हो चुका है लालजी टंडन की, 12.5 फीट की कांसे की ये प्रतिमा है जिसका अनावरण रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने मिलकर कर दिया है। हमारे सहयोगी यहीं से हमें तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। चलिए उनसे जानकारी लेते हैं। अशोक का एक पेड़ लगा है अनुभव, जाहिर तौर पर अनावरण और उसके साथ ये जो तस्वीरें हैं हमारे सामने। 12 फीट की कांस्य की निर्मित 12 फीट की प्रतिमा है और महज एक महीने के भीतर बनकर तैयार हुई है। आज की जो पूर्व पहली पुण्यतिथि है और इसी मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है। टंडन जो लालजी टंडन के बेटे हैं, नगर विकास मंत्री हैं, वो भी यहाँ
सबको आगवानी कर रहे हैं। इसके अलावा सुरेश चंपाल भी है, केशव प्रसाद मौर्य भी है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल तक वो दिल्ली में थे और आज वो पहुंचे हैं, लखनऊ आ चुके हैं। महेंद्र सिंह दिख रहे हैं हमें, कई सारे सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए लाल जी टंडन का जो व्यक्तित्व था, अगर हम बात करें बीजेपी की जो राजनीति रही उसे कहीं ना कहीं आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश में लाल जी टंडन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यही वजह है कि आज जब इस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है तो तमाम सारे मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनसे सिखाए हुए हैं, जिन्हें राजनीति का पाठ लाल जी टंडन ने सिखाया और वो सब इस कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही मूर्ति अनावरण एक एकता का भी प्रदर्शन स्थल बन गया है। देखिए इस मौके पर मंच पे पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मंच की तस्वीर, आप देखिए आपको उधर स्वाति सिंह दिखेंगे, मौसम रजा दिखेंगे, आशुतोष टंडन दिखेंगे, संजय सिंह नजर आ रहे हैं, दिनेश शर्मा है, राजनाथ सिंह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, केशव प्रसाद मौर्य है, प्रियेश पाठक मंत्री, यानी हम कहें तो ये जो कार्यक्रम है ये एक तरीके से ये दिखाना है कि सब लोग एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम भी इसी दिन आज देखिए बकरीद का भी दिन है और खासतौर से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पहुंचे हैं, तो इससे पहले ऐसा पहुंचे इस बार पहुंचे वहां पर वो शामिल हुए, वहां से सीधे यहाँ पर आए हैं, मौसम नजर नजर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए उस तरीके से जो बीजेपी है, खासतौर से यूपी बीजेपी जो है जो पिछले 4.5 वर्षों से सत्ता में है, वो लाल जी टंडन को याद कर रही है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। और जो इस जगह पर इस मूर्ति का अनावरण आज किया गया है, जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई है, वो पहले कभी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली वहाँ हुआ करती थी। और लाल जी टंडन तमाम सारे जन सामायिक मुद्दों को लेकर न जाने कितनी बार यहाँ पर आए, यहाँ पर कितनी बार उन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी किया। और फिर जब बीएसपी सरकार आई तो इस जगह से कोतवाली पर आया और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई। जब उनकी प्रतिमा लगाने की बात आई तो फिर ये तय हुआ कि चूंकि बगल में ही अटल चौक है, अटल जी का जो रिश्ता था लाल जी टंडन के साथ वो सभी को पता है। अगर लखनऊ में कुछ खास व्यक्ति सबसे ज्यादा था अटल जी का तो वो लाल जी टंडन ही थे। और जब अटल जी ने अपना लखनऊ से सांसद लगने सबका क्या कहा कि अपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर क्या लड़ेगा, किस बात पर चर्चा हुई और तब लाल जी टंडन का ही नाम सबसे आगे आया। बिल्कुल अनुभव, ये कोई नहीं जानता है, ये सभी जानते हैं कि अटल जी लखनऊ को अपना मायका कहते थे और मायके के जो खास लोग हैं उसकी प्रथम पंक्ति कहा जाए तो लाल जी टंडन उसमें आते हैं। नगर निगम की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रवास और लाल जी टंडन कई बार कई सारे सुनाते थे, कई सारी बातें बताते थे। मुझे याद है कि जब भारत रत्न देने की बात हुई अटल जी को और फिर घोषित हुआ तो हम उनके पास गए, लाल जी टंडन के पास, उनको एक इंटरव्यू करने के लिए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, उनको याद करके उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अटल जी ने लखनऊ से प्यार किया, लखनऊ का विकास किया, आज हम मॉडर्न लखनऊ की बात करते हैं, मैं लखनऊ की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अटल जी की ही देन थी। और अटल जी की जो परिकल्पना थी उनको साकार करने का काम लाल जी टंडन ने किया। वो जब नगर विकास मंत्री थे, लखनऊ के लिए तमाम इतनी योजनाएं शुरू की, पुल का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, बहुत सारी योजनाएं। अच्छा अनुभव, देखिए लाल जी टंडन ने तभी वो जोड़ने वाली भूमिका निभाई और आज उनकी पहली पुण्य तिथि के मौके पर भी देखिए वो धागे का काम कर रहे हैं जिसमें तमाम मंत्री या फिर देखिए पूरे लोगों को इकट्ठा करने का ही काम कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और चुनावी साल है, बेहद मायने रखते हैं इस तरीके की तस्वीरें। हाँ बिल्कुल, इस तरह की जब तस्वीर जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाता है कि सब एक साथ है, एकजुट है। और यही बात बार बार क्या है, जब आप लोग यही तो तय हुआ कि सबसे एक साथ करना और अब सबको 2022 की मिशन में जुट गया। जब चुनाव है किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तमाम सारे लोग एक साथ मंच पर पहुंचे, यही संदेश देने की कोशिश यहाँ से भी हो रही है। बिल्कुल, तो ये जो शक्ति का केंद्र बने हैं स्वर्गीय लाल जी टंडन, जिनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर ये तस्वीर आई है, लेकिन जग जाहिर है कि
सभी को एक साथ जोड़ने का संदेश जो वो देना चाहते हैं वो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। और देखिए धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अनुभव तो चलिए अनुभव आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हजरतगंज में स्वर्गीय लालजी टंडन की 12.5 फीट की कांसे की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और तमाम दोनों डिप्टी सीएम के साथ नेतागण मौजूद हैं। और मौका है जब पहली पुण्यतिथि पर लालजी टंडन को ये तमाम दिग्गज नेता याद कर रहे हैं, तो वह स्वयं उसको बुलवाते थे और उसकी बात सुनकर उसके उनको नाराजगी दूर कराकर उसका मन ठीक कर देते थे और वह कार्यकर्ता अपने स्वस्थ मन से सक्रिय होकर फिर से कार्य करने लगता था। इसलिए लखनऊ का हर व्यक्ति उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित करता था और बाबूजी भी सबको पिता की तरह प्रेम और स्नेह दिया करते थे और संरक्षण प्रदान करते थे। आज लखनऊ के पितामह श्रद्धेय लालजी टंडन जी के निर्वाण दिवस पर मैं उन्हें नमन करती हूँ और उनकी मूर्ति की स्थापना के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित देश के शेरे दिल रक्षा मंत्री, हमारे लखनऊ के माननीय सांसद, हम सबको हमेशा संरक्षण प्रदान करने वाले परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज को समाप्त कर सुशासन और विकास की गंगा बहाने वाले हमारे मार्गदर्शक माननीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कर्मठ और लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, सरल स्वभाव के धनी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऐसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम सभी कार्यकर्ताओं की विशेष चिंता करने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, विकास पुरुष माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय आशुतोष टंडन जी, लोकप्रिय माननीय विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय जल मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, हमारी छोटी बहन आदरणीय स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय सुरेश तिवारी जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय अविनाश त्रिवेदी जी, आदरणीय जया देवी जी, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी, नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी, उपस्थित अति विशिष्ट